अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्रेड, या आप कह सकते हैं कि जी पिज़्ज़ा के लिए जो डो यूज़ होती है उसके लिए हमें चाहिए यीस्ट। वो चाहिए होगा कम से कम 2 चम्मच नीम गर्म पानी और चीनी, 1 चम्मच चाहिए। अब नीम गर्म पानी जो है वो हमने 1 कप में डालना है। उसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने 2 छोटे चम्मच जो हैंगे, इसे थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं, इंस्टेंट यीस्ट का डाल देना है। फिर इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चम्मच डालनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना आपने। और दूसरी तरफ हम लोगों को चाहिए मैदा, ये आप तकरीबन 2 कप ले लें। जो जितनी ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। मैंने ये 2 कप ली है। दूसरी तरफ हमने जो इंस्टेंट यीस्ट का मिक्सचर बनाया था उसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक बना है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट, और ये बिल्कुल 1/2 चम्मच यूज़ करना है, ये 2 कप मैदा है। अब मैं पहले नमक जो है उसको ऐड कर दूंगी इंस्टेंट यीस्ट के मिक्सचर में, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है तो इसमें आपने घी ऐड करना है थोड़ा सा, लाइक 1/2 चम्मच बस। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने घी यूज़ किया, आप आराम से ऑयल यूज़ कर सकती हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 कप और नीम गर्म पानी डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स कर लेने के बाद आपने ये मिक्सचर जो है, मैदा जो आपने रखा था 2 कप, उसमें ऐड कर देना है। और आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करते हुए इसको अच्छी तरह से गूंदते जाना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसको आराम से गूंद लीजिए। मैंने हैंड वॉश किए हुए हैं, तो काइंडली आप भी अपने हैंड वॉश करके इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिएगा। ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं इसको गूंदा जाता, इसमें इसको हमेशा ऐसे प्रेस कर कर आगे की तरफ बेला जाता है। आपने मुट्ठी के ज़रिए इसको नहीं गूंदना। जब ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा और इसमें फिंगर ऐड करने पे जब आपको लगे कि हाँ आप इसको प्रेस कर रहे हो, ये अच्छी तरह से गूंदा हुआ है। अब आपने एक बॉल लेना है, उसको आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल या घी के थ्रू। और जब आप इसको ग्रीस कर लोगे तो वो गूंदा हुआ मैदा या आटा जो है वह आप इसके अंदर रखोगे, उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दोगे। इसके बाद आपने इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देना। ओवन में भी रख सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा था, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने चेक करना है कि राइस हो जाएगी। इस तरह आपने इसको जिस साइज़ का आपने पिज़्ज़ा बनाना है आप उसको बेल लें। मैंने इसको रात के ऊपर किया है, आप किसी भी जगह पर इसको बेल सकते हैं। बेलने के बाद जब आप इसको तवे पर धीमी आँच पर रखेंगे, बिल्कुल लाइट से आँच होनी चाहिए, फॉर्क से आपने इसको इस तरह से कर लेना है। एक साइड हो जाएगी कुक तो दूसरी साइड को भी हल्का सा आपने कुक कर लेना है, बिल्कुल फुली कुक नहीं करना। जब ये कुक हो जाएगी ये कुछ इस तरह की शेप में आएगी। अब आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, और पिज़्ज़ा सॉस आप इतनी लगाएं जितनी स्पाइसी आप पिज़्ज़ा को चाह रहे हैं कि आपका पिज़्ज़ा इतना स्पाइसी हो। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेने के बाद अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की टॉपिंग इसमें चाहिए, आप वो टॉपिंग इस पर अप्लाई करें और आपका पिज़्ज़ा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।